हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। आज मैं बहुत हड़बड़ाहट में हूँ। मैं बस आपको एक अपडेट देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। और मुझे ऐसा देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं कितनी बिजी हूँ, क्योंकि मैं उड़ीसा ब्रह्मपुर से हूँ। तो आपको न्यूज़ में तो पता चल रहा होगा कि फनी नाम का एक साइक्लोन, सुपर स्ट्रोम साइक्लोन ओडिशा वेस्ट बंगाल का, मतलब जितना वे ऑफ बंगाल के रूट में जितने भी कोस्ट आ रही हैं वो सब इसके अंदर आती है। ये मतलब बांग्लादेश तक इसका प्रभाव रहेगा, तो इसीलिए सुबह से बिजली जा रही है आ रही है। और अगर साइक्लोन हुआ तो कम से कम दो चार दिन तक तो बिजली कट हो जाएगा। और इसीलिए हम मैं सुबह से पानी वगैरह, मतलब पीने का पानी और घर के नॉर्मल यूज़ के लिए पानी वगैरह भर के रख रही थी, तो इसीलिए मैं थोड़ी दिख तो रही हूँ कैसी हूँ, और क्या बताऊँ मैं आपको। आप सबको बहुत शोर आ रहा होगा क्योंकि मैं शॉप हूँ, क्योंकि अब तो यूट्यूब मेरा पैशन बन चुका है। मैं वीडियो बनाए बगैर रह नहीं सकती, तो बिजी लाइफ में से ही कैसे ही भी टाइम निकाल के मैं थोड़ा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक बात मैं बताना चाहती थी कि इसका प्रभाव ज़्यादा लगता है, मुझे लगता है कि पूरी पर होगा, क्योंकि अभी आज 2 मई है और सुबह के मतलब 2 बज रहे हैं। अभी मैंने न्यूज़ देखा तो मुझे पता चला कि पूरी के नीला चक्र में एक 14 फीट का बाना लहराता है। वो आज 5 हाथ, मतलब 14 हाथ वाला लंबा बाना लगाया जा रहा था, पर आज 5 हैंड जितना लंबा लगाया गया, तो वो उड़कर चला गया। तो इसीलिए सबको थोड़ा डर है, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब भक्ति, लोगों की भक्ति कहूँ या अंधविश्वास कहूँ मुझे पता नहीं। मेरे लोगों का मानना है कि जब भी पूरी का नीलो चक्र का बाना उड़ जाता है तो उड़ीसा पे प्रॉब्लम्स आती है। तो होप भगवान जगन्नाथ जी सबकी रक्षा करें। और पर वहाँ पर पूरी के मंदिर से जो खबरें आ रही हैं कि ऐसा ही एक हादसा जब 1999 में भी एक सुपर साइक्लोन हुआ था हमारे ब्रह्मपुर में, तब हवा का तेज वहाँ कम नहीं हो रहा था, तभी बाना का इतना छोटा सा टुकड़ा जाके समंदर में मिला, तब जाके साइक्लोन शांत हुआ था। तो वहाँ का कहना है कि एक चीज़ का पॉजिटिव मीनिंग निकाले, नेगेटिव मीनिंग ना निकाले। तो देखते हैं क्या होता है, क्या करें। उड़ीसा पे तो बहुत 3-4 सालों से प्रॉब्लम्स मंडरा ही रहे, एक के बाद एक साइक्लोन आ ही रहा है। हुड़ फाइलिन बीच में भी कुछ आया था, कुछ हीरोइन, एक हीरोइन का कुछ नाम था, और कैटरीना और क्या, अभी फनी, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो होप सब लोग प्रे कीजिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, और उड़ीसा का गवर्नमेंट भी बहुत सक्रिय होकर काम कर रहा है। उड़ीसा के 800 से 900 शेल्टर्स लिए गए हैं और वहाँ पे तकरीबन 8 से 9 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब
से मतलब वो बीच समंदर के साइड वाले एरिया होते ना उसे कुछ कहते हैं कोस्टल एरिया कुछ क्या कहते हैं मुझे शायद पता नहीं, हम ओडिया में उपकूलवर्ती अंचल कहते हैं, वहाँ साइड से साइड के सारे लोगों को हटा दिया गया है और वो उन्हें तो हटाया गया है और एक और कुछ था और किसे हाँ और ओडिशा के 11 डिस्ट्रिक्ट्स पे इसका असर रहेगा पर ज़्यादा प्रभाव भुवनेश्वर खुर्दा कटक पूरी ऐसे न्यूज से पता चला है 180 से 200 के बीच हवाएं चलने की बात कही गई है। और आज सुबह से यहाँ का मौसम थोड़ा मतलब ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही पर थोड़ा थोड़ा टुक 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 बारिश हो रही है, पता नहीं भगवान करे कि वो साइक्लोन समंदर के अंदर ही घूमकर फिर से समंदर के अंदर चली जाए तो सबको राहत मिले। चलिए देखते हैं, सब लोग प्रे कीजिए कि ये परेशानी कैसे भगवान के दया से हट जाए। तो मैं यहाँ का मौसम का वीडियो मैं ऐड करूँगी, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय। अगर मतलब अगर बिजली चली जाएगी तो मोबाइल में चार्ज भी नहीं होगा तो मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँगी या नहीं पता नहीं। और इस बीच आप मेरे पुराने सारे वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपको तो पता है ना मैं सारी चीज़ों की जितनी जल्दी हो सके आपको इन्फॉर्म करती हूँ तो वो सब आपको पता कैसे चलेगा? बेल आइकन को दबाएंगे तभी तो पता चलेगा, वरना मेरा वीडियो आएगा और पुराना हो गया पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। सुनाई नहीं दे रहा होगा सर ठीक से। देखिए यहाँ का व्यू देखिए, मतलब शाम के 2 बजे मैंने शॉप का लाइट ऑन रखा है तो आपको पता ही चल रहा होगा बहुत क्लाउडी है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा बारिश गिर रहा है। ओके बाय, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है।